हैव एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक कोर्स में प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आज अगली वीडियो लेकर के आया हूँ। प्रैक्टिकल क्लासेस में मेरी जो लास्ट क्लास थी, पेंट का पार्ट वन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। पेंट के पार्ट वन विंडो में मैंने आप लोगों को बताया कि पेंट के यूजेस क्या हैं, पेंट को हम ओपन कैसे करते हैं, तथा पेंट का पार्ट ऑफ विंडो क्या है, इसका फाइल नेम क्या है, फाइल एक्सटेंशन क्या है, तथा पेंट के अंतर्गत जो आपका मेन्यू ऑप्शन है उसमें फाइल मेन्यू को मैंने आपको कंप्लीटली बताया। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हों, ये चैनल आपको यूज़फुल लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे उनको भी ये फ्री क्लासेस प्राप्त हो सके। आज हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास के आगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पेंट को ओपन करने से लेकर के पार्ट ऑफ विंडो, पेंट का फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन तथा फाइल मेन्यू के बारे में मैंने आपको डीपली बताया। आज हम आप लोगों को मेन्यू ऑप्शन में होम के बारे में बताएंगे। होम से रिलेटेड जो रिबन है उसके ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताएंगे। हम होम को पढ़ाने से पहले ऊपर देख लेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ था। क्विक एक्सेस टूलबार की पोजिशनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे रिबन के नीचे भी आ सकता है और इसको हम अबव रिबन भी कर सकते हैं। आप देखें क्विक एक्सेस टूलबार में कुछ ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। अंडू है, रेडू है, सेव है, ओपन है एंड प्रीव्यू है। अंडू से यदि हमने कोई भी वर्क किया हुआ है उस एक्शन को हम हटाना चाहते हैं, और रेडो से जो अंडो के द्वारा हम लास्ट एक्शन जो हमने किया होगा उसको रेडो के माध्यम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सेव के द्वारा हम अपनी फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसा कि फाइल मेन्यू में मैंने सेव करके आपको बताया। ओपन के द्वारा जो एग्जिटिंग फाइल होंगी, जो आपके स्टोरेज में सुरक्षित होंगी फाइलें पेंट की, उसको यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। प्रीव्यू के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो फाइल हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो पिक्चर प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमारे पेज पर किस जगह पर आएगा, सही जगह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप प्रीव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। तथा यहाँ एक आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो हम अपने क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से हम जो भी ऑप्शन की आवश्यकता हमें हो, कहने का मतलब क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब होता है किसी भी कार्य को जल्दी करने के लिए टूल्स जहाँ पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। तो जिस ऑप्शन की आपको बार बार आवश्यकता पड़ती हो उसको आप यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि कोई ऑप्शन ऐसा लगता है जिसका यूज़ यहाँ पर नहीं है उसको आप यहाँ से एब्सेंट भी कर सकते हैं। शायद आपको क्विक एक्सेस टूलबार समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं होम मेन्यू को देखते हैं। आप देखें क्लिपबोर्ड टैब है, इमेज टैब है, टूल्स टैब है, सेव टैब है एंड कलर्स टैब है। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड टैब को समझेंगे, और क्लिपबोर्ड टैब को समझने के लिए जब तक अपने फाइल पर हम स्पेस पर पिक्चर कोई भी नहीं प्रेजेंट करेंगे तब तक हम कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेस्ट तो आपको हाईलाइट मिल भी सकता है, बिकॉज यदि हमने पिछली फाइल में कोई भी कट या कॉपी का एक्शन किया हुआ है तो उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, बट कट कॉपी जब तक आप कोई भी करेंट में कोई भी सेप या कोई भी पिक्चर नहीं बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई ड्राइंग नहीं क्रिएट करते हैं, तब तक ये आपका एक्टिवेट नहीं होता है, या जब तक हम बनाए गए सेप को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग है उसको जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते तब तक ये दोनों हाईलाइट नहीं होते। हाईलाइट होने का मतलब एक्टिवेट नहीं होते, और जब तक वो एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक वर्क में नहीं रहेंगे। तो हम देखते हैं कोई भी शेप हम यहाँ से ले लेते हैं, किसी भी शेप को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं, और शेप ड्रॉ करने के बाद हम जब उसको सेलेक्ट करते हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे सेलेक्ट करते ही कट कॉपी दोनों हाईलाइट हो चुके हैं।
कट और कॉपी में एक छोटा सा डिफरेंस है। कट का मेन वर्क होता है लोकेशन को चेंज करना। कट करना होता है जब हम इस कैनवास पे जहाँ पे हमने काम किया है, जहाँ पर ये शेप हमने ड्रॉ किया है, इस शेप को हम हटाना चाहते हैं, इसको यहाँ से एब्सेंट करके फिर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कट की आवश्यकता होती है एब्सेंट करने के लिए। वैसे अगर हम चाहें तो भी इसको हम मूव कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन ये शेप एब्सेंट नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है। अगर हम कट कर देते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। और कट किया गया जो भी मैटर है आपका, जो भी इमेज है या जो भी शेप है, उसको हम पेस्ट के माध्यम से चिपका सकते हैं। इट मीन्स क्लिपबोर्ड की सहायता से हम कट किए गए शेप को या ड्राइंग को दोबारा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो पेस्ट करके हम उसको ला सकते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे, जो हमने शेप कट किया है वो उसका लोकेशन अलग जगह पर था, लेकिन पेस्ट करने पर हमारा जो शेप है वो लैपटॉप कॉर्नर पर ही आया है पिक्चर फाइल के। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहां पर हम कोई भी फाइल को पेस्ट करते हैं, या कोई भी इमेज या शेप या कोई भी ड्राइंग आपने की हुई है जिसको आपने कट किया है या कॉपी किया है, तो उसको जब भी हम पेस्ट करेंगे तो आपके जो पिक्चर फाइल है उसके लैपटॉप कॉर्नर पर ही वो प्रेजेंट होगा। अब हम चाहें तो यहाँ से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे कॉपी से क्या होता है, कट करने पर जो शेप था वो एब्सेंट हो गया था, मतलब वो क्लियर हो गया था, कट हो गया था। लेकिन यदि हम इसका कॉपी बनाते हैं, इस पर हम कॉपी पर क्लिक करते हैं तो इसका कॉपी जनरेट हो जाता है। कॉपी होता है सो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम पेस्ट करते हैं तो हूबहू सेम उसी तरीके से, हम कंपेयर करना चाहें तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी अंतर आपको दोनों में नहीं मिलेगा, बिकॉज एक ही शेप है और उसी की कॉपी है ये। जैसे हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल से उसकी कई सारी कॉपियां निकाल सकते हैं, इस तरह से कॉपी करने के बाद उसको हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। कट करके भी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कट और कॉपी में बस एक ही अंतर है, जो शेप है उसका जस्ट डुप्लीकेट हो जाता है, उस शेप के रहते हुए हम दूसरा शेप प्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन कट में क्या होता है, जब हम उसको कट कर लेते हैं तो वहाँ से हिडन हो जाता है, कट हो जाता है, फिर हम पेस्ट के माध्यम से वो शेप को प्रेजेंट कर लेते हैं, उस पिक्चर को प्रेजेंट कर लेते हैं। और आप ध्यान दे रहे होंगे तो कट करने के बाद भी हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कॉपी करने के बाद भी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि कट किया गया जो भी मैटर होगा वो पेस्ट से हम उसको चिपका सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉपी किया गया मैटर जहाँ भी हमको रखना है तो पेस्ट के माध्यम से उसको हम चिपका सकते हैं। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना, जो भी कॉपी किया गया मैटर है वो पेस्ट के माध्यम से हम दोबारा ला सकते हैं। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें पेस्ट के अंतर्गत, आप यहाँ देखें एक छोटा सा ट्रेंगल बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो पेस्ट के बाद एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग है, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से पेस्ट का बिहेवियर होगा जो अभी आपने यहाँ से देखा। पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी, यदि आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे, यदि आपने पहले से कट या कॉपी कर रखा है तो कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स और कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो कि आप लोगों को पीछे की वीडियोस में बताए जा चुके हैं। अब हम पेस्ट फ्रॉम देखते हैं। पेस्ट फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, पेस्ट किसी फाइल को यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। आप देख रहे हैं एक एरो बना हुआ है, मतलब कहीं से हम फाइल को ला करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर फाइल जो आपने बना रखी है, बना करके सेव कर रखा है, उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे। हम उससे पहले एक काम कर लेते हैं, हमने क्विक एक्सेस टूलबार में आपको सेव बताया, अब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, हम फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, तभी आपको पेस्ट फ्रॉम अच्छे से समझ में आएगा। स्टार नाम से फाइल सेव कर दी, आप देख पा रहे हैं स्टार लिख दिया मैंने। अब हम बताते हैं आपको पेस्ट फ्रॉम क्या होता है। अभी हम पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट होगा, वहाँ जो भी फाइल हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो उसका मैटर, फाइल नेम नहीं चेंज होगा और फाइल का मैटर आपके इस फाइल में पेस्ट हो जाएगा। आप ध्यान देंगे
पेस्ट फ्रॉम पर हम जब क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पेस्ट फ्रॉम का, और यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी फाइल को, जो भी बनी हुई फाइल है उसको यदि हम चुनते हैं, इस फाइल का नाम KCI है और आपकी फाइल का नाम स्टार है, यदि हम पेस्ट फ्रॉम के माध्यम से हम इस फाइल के मैटर को यहाँ केवल पेस्ट करेंगे, हमारी फाइल का नेम चेंज नहीं होगा, जबकि ओपन से यदि हम कोई भी फाइल खोलते हैं तो फाइल ही चेंज हो जाती है, बट यहाँ क्या होगा, केवल आपका मैटर पेस्ट होगा जो हमने उसमें क्लाउड बना रखा है, ओपन करते ही वो मैटर आपका पेस्ट हो जाएगा। आप ध्यान दे रहे होंगे ये मैटर आपका इसमें आ गया, ये आप देख पा रहे हैं ये क्लाउड का मैटर आ गया, और आप ध्यान देंगे तो आपका जो स्टार लिखा हुआ है फाइल नेम, ये भी चेंज नहीं हुआ। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको ये पता चले कि हमारा पहला मैटर जो मैंने जो बना रखा था स्टार नाम की फाइल में, वो सारे मैटर्स अवेलेबल हैं, और हमारा दूसरी फाइल का KCI नाम की फाइल का मैटर हमारे इस फाइल में आ चुका है। ऐसा हम करते हैं यदि हमें फाइल को कंपेयर करना है या किसी के फाइल से मैटर को उठाना है, तो हम पेस्ट फ्रॉम का यूज़ करते हैं जिससे उस फाइल का मैटर हमारी फाइल में आ जाता है बट हमारी फाइल का नेम चेंज नहीं होता है। आई होप आपको पेस्ट फ्रॉम समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हमने सेलेक्ट करके आपको बताया, सेलेक्ट में आप देखेंगे यहाँ ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हमारा ये फाइल सेलेक्ट होकर के फाइल का मैटर पेस्ट फ्रॉम के माध्यम से हमने इसमें ले लिया है। अगर हम इसका सेलेक्शन हटा देते हैं तो फिर ये वहीं सेट हो जाएगा, और फिर यदि हम इसको सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये बैकग्राउंड जो आपके इस फाइल का है, इस फाइल का बैकग्राउंड जो आपका है वो उसमें ये ऐड हो जाएगा। फिर हम कट करेंगे या सेलेक्ट करके उठाएंगे तो जितना मैटर हमें दिख रहा है उतना ही केवल हम उठा पाएंगे। तो हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट हम देखते हैं, तो हम सेलेक्ट पर आते हैं और सेलेक्ट में हम देखते हैं ऊपर दो ऑप्शन है, एक रेक्टेंगुलर सेलेक्शन है और एक फ्री फ्रॉम सेलेक्शन है। ये दोनों है क्या, पहले हम इसे समझ लेते हैं जो शेप्स को सेलेक्ट करने के लिए है, उसके बाद हम सेलेक्शन के ऑप्शंस को समझते हैं। रेक्टेंगुलर सेलेक्शन का मतलब होता है, रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार, रेक्टेंगुलर। यदि हम रेक्टेंगुलर सेलेक्शन लेते हैं तो एक उसका क्राइटेरिया होता है जो कि आयताकार होता है, उसी शेप में चाहे छोटा सा भी एरिया में सेलेक्ट करना है वो भी आपका आयताकार होगा, ध्यान दे रहे होंगे आप। और यदि हम फ्री फ्रॉम में जाकर के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम का सिलेक्शन का मतलब क्या है कि पेंसिल की तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर यदि हम लेते हैं तो हम एक आयताकार एरिया ही कट करके निकाल सकते हैं, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं। अब हम चलते हैं फ्री फ्रॉम में करके दिखाते हैं आपको। यदि हम फ्री फ्रॉम करते हैं तो हम कोई भी फॉर्मेट हम लेना चाहते हैं तो हम उस फॉर्मेट को बना सकते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे, हमने एक मॉनिटर का शेप बनाया और इसको यहां से हमने कट करा। आप देख रहे हैं मॉनिटर का शेप कट होकर के आ गया। तो जिस तरह से आप कट करेंगे, जिस तरह से आप शेप बनाएंगे या जिस तरह से फ्री फ्रॉम में सिलेक्शन लेंगे, उसी तरीके से आप उसको कट करके निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई वैलिड नहीं होगा कि हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं तो रेक्टेंगुलर ही आएगा। फ्री फ्रॉम में इसका नाम ही फ्री फ्रॉम है, या आप फ्री हैं कहीं से भी इसको कट करके निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम अंडू कर लेते हैं इसको। अब हम आगे देखते हैं जो सेलेक्शन के ऑप्शंस हैं। पहला है सेलेक्ट ऑल, फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, हम चाहे कंट्रोल ए करें या फिर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें। आप देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन, ये आपका पूरा शेप जितना भी है सब सेलेक्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे। हम चाहें तो इसको यहीं से कॉर्नर से छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब सेलेक्शन हो चुका है। आप कंप्लीट सेलेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा।
हम चाहें तो इसको यहीं से डिलीट कर दें, डेल प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। डिलीटेड मैटर को हम लाना चाहते हैं, अगर गलती से हुआ है या हम जान करके किए हैं, अंडो कर देंगे तो वो ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। और जो लास्ट एक्शन हमने अंडू से किया उसको रेडू करके हम गायब भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, एक सिंगल शेप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और इन्वर्ट सेलेक्शन का क्या होता है कि जो सेलेक्शन आपने किया है उसको छोड़ करके अपोजिट सेलेक्शन हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वर्ट सेलेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट या जिस शेप या जिस पिक्चर को हम सेलेक्ट करके रखते हैं, यदि हम इन्वर्ट सेलेक्शन कर देते हैं तो अपोजिट, उसके अपोजिट जितने भी पिक्चर्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिसको हमने सेलेक्शन ले रखा होगा पहले से वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, मैं इसलिए मूव करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिकॉज मैं बहुत ही स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी ज़रूर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यदि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीट। जैसे कि हमने कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, इस क्राइटेरिया में जितने भी सेलेक्शन एरिया में जितनी भी चीज़ें आई होंगी वो क्या हो जाएंगी अगर हम डिलीट कर देंगे तो? डिलीट हो जाएगा। जैसे इसका कॉर्नर भी इसमें आ चुका है, और यदि हम डिलीट करते हैं तो ये कॉर्नर ले करके डिल हो जाएगा। आप देखें इसका कॉर्नर कट गया। तो कहने का मतलब है जो उस सेलेक्शन एरिया में आ जाएगा शेप या इमेज या पिक्चर जो भी होगा वो डिलीट कर देने पर डिलीट हो जाएगा, मतलब वो क्लियर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन के लिए क्या है कि हम दिखाते हैं आपको, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कलर फिल कर लेते हैं किसी शेप में। जैसे यही शेप है मान लेते हैं, इसमें मैंने कलर फिल कर लिया, और इस शेप में भी मैंने कलर फिल कर लिया, इस शेप में हमने कोई भी कलर फिल नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्शन लेते हैं इस शेप का। हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से मूव किया। आप देख पा रहे हैं जो बैकग्राउंड है शेप के साथ वो बैकग्राउंड भी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम सेलेक्ट पर जाएं और ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन कर दें तो आप देख पा रहे होंगे इससे क्या हो गया कि आपका शेप शेप केवल सेलेक्शन में है, वो जो बैकग्राउंड आ रहा था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब पारदर्शी हो गया। ओनली शेप आपका केवल सेलेक्ट है। ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, या कहीं भी कोई भी मटेरियल किसी भी फिल पर ले जा करके आप रखना चाहते हैं, या देख पा रहे होंगे आप इस सब टाइप का शेप आप जनरेट करना चाहते हैं, थोड़ा शेडो फॉर्मेट में देना चाहते हैं, तो आप इसकी मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी आपके दिमाग में आए जिस टाइप की आप ड्राइंग करना चाहते हैं उस टाइप का ड्राइंग कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन। हम एक बार अंडो कर देते हैं, अंडो करके तब दिखाते हैं फिर से आपको। यदि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं इस शेप को सेलेक्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा क्राइटेरिया लिया, और यहाँ से हम इसको जब मूव करते हैं तो आप देखें केवल शेप शेप ही आपका आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सेलेक्ट में जा करके ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन पर टिक कर दिया था। यदि हम इस ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो बैकग्राउंड उसके साथ उठ करके आ जाएगा, और आपके शेप के जो पीछे शेप दिख रहा था वो हिडन हो गया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ने उसको ढक लिया। और यदि हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और वो जो आपका हिडन हुआ था वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा। आई होप आपको ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्रॉप। यदि हमें कोई भी क्रॉप करना है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो शेप हो, हम कोई पिक्चर ले लेते हैं फिर आपको क्रॉप करके दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं हम एक फाइल ले आए हैं जिसमें दो इमेज है, और इसमें से हम क्रॉप करना चाहते हैं। हमने पेज को बड़ा कर लिया, हम क्या करते हैं यहाँ से सेलेक्शन लेते हैं।
जैसे इसमें से हमें एक इमेज को कट करना है, क्रॉप करना है। हमने क्या किया, सेलेक्शन ले लिया, सेलेक्शन हमने किया। अब हम क्रॉप करना चाहें तो केवल एक इमेज को जस्ट हमने क्रॉप कर लिया। इस तरह से हम क्रॉप करके कई सारे लोगों की फ़ोटो में से किसी एक व्यक्ति की फ़ोटो निकाल करके उसको हम उसमें फॉर्मेट वगैरह करके नॉर्मली उस फ़ोटो को हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉप के माध्यम से फ़ोटो को कट करके हम एक फ़ोटो बना सकते हैं या कई लोगों की फ़ोटो में से किसी की फ़ोटो हम निकाल सकते हैं क्रॉप के ऑप्शन से। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, रिसाइज एंड स्क्यू। रिसाइज करने का मतलब क्या है, जो भी आपका जैसे यही फ़ोटो हम ले लेते हैं, इस फ़ोटो को हमें रिसाइजिंग करना है, तो जब हम सेलेक्शन लेंगे तभी वो उस पर वर्क करेगा, अन्यथा ये पूरे पेज पर काम करने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को हमने यहाँ से कट करके ले लिया। अब हम रिसाइज पर चले जाते हैं। रिसाइज ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं परसेंट में है आपका, यहाँ इसको बोलते हैं स्ट्रेच करना। अगर हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो लगा के रखे हुए हैं और यहाँ से जा करके हमने 50% करा, तो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल हमने चेंज किया लेकिन वर्टिकली एक चेंज हो गया, क्योंकि रेशियो एस्पेक्ट कर लेगा वो। तो हम क्या करते हैं, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देते हैं और यहाँ इसको हम 100 ही रहने देते हैं, और यहाँ से हम 50 हॉरिजेंटल में 50 करके ओके करा हमने। आप देखेंगे वर्टिकली, आप देखें हाइट वही है इमेज का, बट ये हॉरिजेंटली स्ट्रेच हो गया। आप देखें इसकी विड्थ कम हो गई, ये स्ट्रेच हो गया। रिसाइज करना है मतलब चाहे उसको स्ट्रेच बोल दें या साइज को कम कर लिया हमने, रिसाइजिंग कर लिया। रिसाइज में जाएंगे हम, अब हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटाते हुए वर्टिकली हम इसको कम करना चाहते हैं, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से हम, और यहाँ से ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने हॉरिजेंटल करके दिखाया, अब ये वर्टिकली कम हो गया, इसकी हाइट कम हो गई। रिसाइज में आपने देखा हॉरिजेंटली हम साइज को कम कर लिए और वर्टिकली भी हमने साइज को कम करके दिखाया। अगर हम इसको स्क्यू करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, इसको एंगुलर डिग्री वाइज हम इसको स्क्यू करना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉर्मेट देख रहे हैं, हॉरिजेंटली अगर हम करते हैं तो सेप का जो हॉरिजेंटल स्केल होता है वो बढ़ जाता है, और अगर हम वर्टिकली करेंगे तो हाइट में उसके स्केल बढ़ जाता है। हम यहाँ करते हैं हॉरिजेंटली, अगर हम चाहते हैं कि हॉरिजेंटली 40 डिग्री का कोण बनाते हुए ये सेप आपका प्रेजेंट हो जाए, तो आप देखेंगे हॉरिजेंटली ये 40 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है, हॉरिजेंटल स्केल इसका बढ़ गया है। जब हम इसकी साइज़ बढ़ा रहे हैं, चूँकि इमेज बड़ी हो गई थी और वो आपको दिख नहीं रही थी पूरी, जब हमने उसका सेलेक्शन को उसके साइज़ को बड़ा किया तो आपको पूरी इमेज दिख गई। तो ये देखिए आप 40 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब एंगुलर ये इसकी जो इसका स्केल है, पहले इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ही था, मतलब इसकी विड्थ कम थी। आप देख पा रहे हैं इस इमेज के सेलेक्शन के लिए इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ी हमें, तो इसका एंगुलर हॉरिजेंटल स्केल इसका बढ़ गया, हॉरिजेंटल ये तिरछा किया गया इमेज को लेकिन हॉरिजेंटली इसका स्केल बढ़ गया। और अब हम इस पर वर्टिकल अप्लाई करेंगे, अभी जो आपका हॉरिजेंटल में स्केल बढ़ा हुआ था, स्क्यू करा था मैंने जब तिरछा किया था इमेज को, अब वही हम वर्टिकल में अगर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको हम स्क्यू करेंगे तो इसका स्केल वर्टिकली बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस पूरे जो आपका पिक्चर फाइल था, इस पूरी फाइल में इसकी जो हाइट है बढ़ गई, स्क्यू यहाँ 45 डिग्री यहाँ बन रहा है, चाहे तो 45 डिग्री आप यहाँ चेक कर सकते हैं, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए स्क्यू हो गया है, इसका जो वर्टिकली ये इसकी हाइट एक्स्ट्रा हो गई है, बढ़ गई है। तो इस तरह से हम रिसाइजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको रिसाइज समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं रोटेशन, अगर हम इसका सेलेक्शन कर लेते हैं और सेलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आएंगे, रोटेट आप देखेंगे एंगुलर रोटेशन यहाँ भी है, अगर हम इसको
रोटेट करते हैं राइट में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 90 डिग्री रोटेट कर गया आपका इमेज। रोटेट करते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में 90 डिग्री करेंगे, अभी आपने राइट में 90 डिग्री देखा, अब हम रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे, तो 90 डिग्री करने पर लेफ्ट फॉर्मेट में ये लेफ्ट में रोटेट हो गया। अगर हम इसको सीधा करना चाहते हैं तो रोटेट राइट, तो आप देख पा रहे हैं इमेज आपकी राइट में आ गई। हम पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से बढ़ा लेते हैं पेज को, सिलेक्शन ले लेते हैं, बिकॉज सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब हम फिर से देखते हैं रोटेशन में, आपने 90 डिग्री राइट देखा, 90 डिग्री लेफ्ट देखा, अगर हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, मतलब 90 गया फिर 90, 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर 180 करते हैं, फिर आप देख रहे हैं इमेज सीधी हो गई आपकी। अब हम फ्लिप करते हैं, फ्लिप मीन्स होता है पलट देना, आप देखेंगे फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा, इमेज का जो पहले टॉप था वो बॉटम की तरफ आ गया, जो बॉटम था वो टॉप की तरफ चला गया। फ्लिप वर्टिकल करेंगे फिर आपकी इमेज सीधी हो जाएगी। इसी तरीके से हम हॉरिजेंटली फ्लिप करेंगे, अब इनका जो पोस्चर है जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब हम फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजेंटल करके इमेज का पोस्चर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको इमेज टैब कंप्लीटली समझ में आया होगा, सेलेक्शन करके देखा, क्रॉप करके देखा, रिसाइजिंग करके देखा एंड रोटेट करके देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप एक से दो बार रिवाइंड करके देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बना रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।